दोस्तों आज की इस क्लास में हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में सेल रिटर्न के अगेंस्ट में क्रेडिट नोट और परचेज रिटर्न के अगेंस्ट में डेबिट नोट बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों क्रेडिट नोट और डेबिट नोट बनाने की कंडीशन क्या होती है, कौन सा वाउचर हम यूज करते हैं, कौन से लेजर हमें क्रिएट करने पड़ते हैं और क्रेडिट नोट से और डेबिट नोट से हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है और जीएसटी की रिटर्न पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ प्रैक्टिकल शेयर करेंगे। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, विशेषकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो टैली सॉफ्टवेयर को सीख रहे हैं या फिर उन्होंने जस्ट किसी कंपनी में एज ए अकाउंटेंट जॉब की शुरुआत करी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफी कुछ इस वीडियो से आपको सीखने को मिलने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लें क्योंकि इस चैनल पर आपको आगे भी इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो लगातार मिलती रहेगी। और आज की वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। तो दोस्तों इस टैली कंपनी में हमने परचेज वाउचर की और सेल वाउचर की एक एक ट्रांजेक्शन पास करके रखी हुई है ताकि वीडियो हमारा और ज़्यादा प्रैक्टिकल बने और टाइम हमारा कम से कम वेस्ट हो। तो दोस्तों ये हमारी एक पार्टी है, इसे हमने एक आइटम ए और एक आइटम बी हमने कुछ क्वांटिटी के साथ परचेज करी है और सेम ही प्रोडक्ट हमने यहाँ पर सेल किए हैं। तो अब सबसे पहले बात आएगी क्रेडिट नोट की, जैसा कि हमने इस इनवॉइस के थ्रू सुमित ट्रेडर्स को कुछ ये प्रोडक्ट हमने सेल किए हैं। अब मान लीजिए सुमित ट्रेडर्स ने इसमें इनवॉइस में से कुछ प्रोडक्ट हमारे को रिटर्न कर दिए, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें से 5 पीस हो सकते हैं, 1 पीस हो सकता है, 10 पीस हो सकते हैं, या जितना आपने सेल किया वो सारा का सारे प्रोडक्ट आपके पास वापिस आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम दोनों क्वान्टिटी के अंदर हम 5-5 पीस को रिटर्न मान के चलेंगे। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कस्टमर को जब हमने प्रोडक्ट सेल किया था तो हमने सेल इनवॉइस इश्यू किया था, लेकिन अब कस्टमर हमें वो कुछ प्रोडक्ट उसमें से वापस करके जा रहे हैं, तो अब हमारी कंपनी के लिए क्या बनने वाली है, सेल रिटर्न। और सेल रिटर्न के अगेंस्ट में हम कस्टमर को क्रेडिट नोट इशू करके देते हैं। तो सबसे पहले हम इसका क्रेडिट नोट इशू करते हैं। तो क्रेडिट नोट इशू करने के लिए वाउचर पे चलते हैं। तो क्रेडिट नोट आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको अदर वाउचर पर जाना है और अदर वाउचर पर जाने के बाद आपको यहाँ से क्रेडिट नोट और डेबिट नोट ऑप्शन है जो मिल जाएगा। तो अब हमें क्रेडिट नोट यूज़ करना है तो इसकी शॉर्टकट कमांड होगी एल्ट के साथ F6, एंटर प्रेस करेंगे तो आपको क्रेडिट नोट का जो वाउचर मोड है वो आपको एज ए आइटम इनवॉइस रखना है। अगर आपके पास कुछ इस तरीके से क्रेडिट नोट विंडो नहीं आ रही है तो आपको यहाँ से चेंज मोड पर जाना है और उसके बाद में यहाँ से आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, इसमें से आपको आइटम इनवॉइस को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप कोई प्रोडक्ट के अगेंस्ट के अंदर यानी कि सेल रिटर्न कर रहे हो, कुछ प्रोडक्ट आप आपके पास आया है तो इस आइटम इनवॉइस को आपको सिलेक्ट करना है। तो उसके बाद में हम उसी कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे, सुमित ट्रेडर्स को, और उसके अंदर आइटम ए हमने एक तो सेल करी थी, इसके 5 पीस हमारे पास वापिस आ गए, जिस रेट से हमने सेल किया था उसी रेट से हम वापिस इसको रिटर्न कर रहे हैं। अब बात आएगी यहाँ पर सेल लेजर की, तो अब हमने सेल के वक्त भी हमने ये सेल जीएसटी 5% का लेजर सेलेक्ट किया था, क्या अब हम इस रिटर्न के अगेंस्ट में इसी लेजर को सिलेक्ट करेंगे? तो अब आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, आप चाहो तो जिस लेजर के अंदर हमने इस प्रोडक्ट को सेल किया था उसी लेजर के अंदर हम इसको माइनस कर सकते हैं, अदरवाइज आप एक सेल जीएसटी 5% रिटर्न का हम एक अलग से लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। दोनों में क्या इफेक्ट पड़ता है हम वो भी देखेंगे। सबसे पहले मैं इसी सेम लेजर के अंदर इसकी एंट्री को पास कर रहा हूँ और उसी तरीके से हम आइटम बी को और इसके अंदर हम 5 पीस हम वापस आए हैं रिटर्न करेंगे, जीएसटी 12% सेम सेल लेजर में सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो वापस हम सी जीएसटी को और एस जीएसटी को भी रिवर्स करेंगे। उसके बाद में प्रोवाइड जीएसटी डिटेल आपसे पूछेगा, तो इसके अंदर आप सेल रिटर्न को सिलेक्ट करना है और उसके बाद में बायर्स डेबिट नोट, यानी कि कस्टमर ने अगर आपको कोई इसके अगेंस्ट में डेबिट नोट दिया है तो आप वो नंबर यहाँ पर लिख सकते हो, नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो और इस वाउचर को हम यहाँ से एक्सेप्ट करके सेव करेंगे। तो अब इस सबसे बड़ा इफेक्ट इसका क्या आया, हम वापस चलते हैं फाइनल रिपोर्ट पर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ओपन करते हैं और डाटा हम ओपन कर लेते हैं, Alt+F1 के साथ पूरी डिटेल ओपन करेंगे। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर आपको जो सेल अभी दिखाई दे रही है वो 6,250 रुपये की है, एंटर प्रेस करेंगे तो अब इसके अंदर क्या होगा, भी आपकी जो टर्नओवर थी यानी कि जो सेल थी वो 5,000 रुपये की थी, इसके अंदर 1,000 रुपये का सामान आपके पास वापस आ चुके हैं।
अब ऐसे में क्या होगा, आपकी जो नेट सेल है वो 4000 रुपये रहेगी। तो आपको यहाँ पे भी 4000 दिखाई देगा, एंटर प्रेस करेंगे तब आपको यहाँ पर डेबिट की अमाउंट और क्रेडिट की अमाउंट अलग अलग शो करेगी। तो रियल के अंदर आपकी सेल ये थी और ये आपकी रिटर्न है, तो ये नेट इफेक्ट आपका 4000 रुपये का आएगा। तो अगर सेम इसी लेजर को हम वापिस क्रेडिट नोट को ओपन करते हैं, अब अगर हम यहाँ पर इस सेल की जगह एक सेल GST 5% रेटर का अलग से अगर लेजर क्रिएट करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हम यहीं से LC से लेजर क्रिएट कर लेते हैं, सेल रिटर्न GST 5% के नाम से एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं, अंडर में रहने वाला ये सेल्स काउंट। तो उसके तरीके से बाकी की जो GST की डिटेल है वो हम एडिटेड ही रखेंगे इसको, और इसी तरीके से जो GST 12% का जो लेजर है उसको हम एक रिटर्न का लेजर अलग से क्रिएट करेंगे, सेल रिटर्न GST 12% का, ताकि हमारा जो सेल रिकॉर्ड है वो हमें अलग अलग शो। एंटर प्रेस करेंगे, बाकी डाटा हमें AGT रखना है, कुछ चेंजिंग इसके अंदर हमें करनी नहीं है, केवल हमें लेजर ही चेंज करने हैं। तो अब इससे क्या होगा, वापस हम बैक आते हैं, तो अब आपको जो सेल है, जो आपका नेट इफेक्ट अभी भी 6250 रुपये का है, लेकिन अब आपको यहाँ पर अलग अलग डाटा दिखाई देगा। ये जो आपका आ रहा है 5 और 3 8000 रुपये की जो सेल है, ये आपके रियल के अंदर सेल है, और यहाँ पर आपकी ये 1750 रुपये का रिटर्न हुआ है, तब आपको ये माइनस में दिखाई देगा। तो आप इस डाटा को अलग अलग सिंक्रोनाइज भी इजी तरीके से कर सकते हो, अगर आपने रिटर्न के लेजर अलग क्रिएट कर लिए तो। अब हम एक बार परचेज रिटर्न की भी एंट्री करेंगे, उसके बाद हम GST की रिपोर्ट पे इसका इफेक्ट देखेंगे। तो अब परचेज रिटर्न के लिए हमें, मान लीजिए हमारे पास ये परचेज है, और इसी परचेज में से हमने इस कंपनी को, बालाजी आयरन स्टोर को, प्रोडक्ट हमने वापिस कर दिए। मान लीजिए हम इसमें से 10-10 पीस को वापिस आज माइनस करके दिखाएंगे, तो अब 10 पीस वापिस करेंगे, तो अब हम कंपनी को वापिस रिटर्न कर रहे हैं, तो अब हमारी कंपनी के लिए क्या बनेगा, यानी कि हमारी बुक से अभी क्या बनने वाला है, डेबिट नोट। तो डेबिट नोट के लिए आपको Alt F5 प्रेस करना है, चाहे आप यहाँ से एंटर बटन प्रेस भी कर सकते हो, और ये भी मैथ आपका जो वाउचर मोड है ये सेम इनवॉइस वाउचर के अंदर मोड में ही रहना चाहिए। तो अब यहाँ से हम बालाजी उसी लेजर को वापस सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से हम 10 पीस जिस रेट से हमने प्रोडक्ट को परचेज किया था उसी के अंदर वापस सेलेक्ट करेंगे। अब वो सेम परचेज वाली स्टोरी अब यहाँ पर भी आ जाएगी, क्या आप सेम उसी परचेज लेजर के अंदर से आपकी परचेज कम करोगे या परचेज रिटर्न का अलग से लेजर क्रिएट करोगे। तो जैसे हमने सेल के अंदर इफेक्ट देखा था, सेम ही आपका परचेज के अंदर भी इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, अगर आप अलग अलग लेजर क्रिएट करते हो उस कंडीशन में। तो इस तरीके से वापिस हम CGST और SGST को भी रिवर्स करेंगे, GST की डिटेल। अब इसके अंदर ये हमारी परचेज रिटर्न है, तो परचेज रिटर्न का ऑप्शन नहीं है, आप इसके अंदर 7 नंबर ऑप्शन डाल सकते हो। अब उसके बाद में क्या होगा, अगर आपने ये रजिस्टर्ड कंपनी है और रजिस्टर्ड कंपनी को आप डेबिट नोट इश्यू करोगे तो आपको 100% क्रेडिट नोट भी मिलेगा। तो उस कंडीशन में जो हमें बालाजी आयरन स्टोर की तरफ से जो क्रेडिट नोट मिलेगा, उस क्रेडिट नोट का नंबर अब हमें यहाँ पर लिखना जरूरी होगा। मान लीजिए हमने इसका क्रेडिट नोट एक बार टेम्परेरी रूप से हम इसका डाल देते हैं, और 2-1 में हम इसकी ट्रांजेक्शन पास करके वाउचर को सेव करेंगे। अब हम एक बार फाइनल रिपोर्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी जाके देख लेते हैं। तो अब हमारी जो परचेज है वो 9,450 रुपये 50 पैसे की रहेगी। एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पता चलेगा भी एक्चुअल में जो आपकी परचेज थी वो ये थी 6,612 रुपये 60 पैसे की, और इसमें 1,102 रुपये 10 पैसे का आपने प्रोडक्ट है जो रिटर्न कर दिए इतनी अमाउंट का। तो ये नेट इफेक्ट आपका परचेज का ये दिखाएगा 5,510 रुपये 50 पैसे का। तो अब हम बात करते हैं भी इसका GST रिटर्न पर क्या फर्क पड़ेगा और लेजर पर क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले एक बार हम लेजर ही चेक कर लेते हैं इसकी। सबसे पहले जो हमारे सप्लायर है बालाजी का, उसका लेजर हम देखेंगे। तो अब लेजर में क्या होगा, जो हमारा परचेज की अमाउंट थी इनवॉइस की 12,570 रुपये 38 पैसे, वो पार्टी के अकाउंट में क्रेडिट होंगे, और हमने जो प्रोडक्ट वापस कर दिए वो 2,268 रुपये 62 पैसे के प्रोडक्ट है जो हमने वापस कर दिए, तो ये डेबिट नोट से हमारे सप्लायर के अकाउंट में इतनी रकम है जो डेबिट हो जाएगी। और इसी तरीके से जो हमारा कस्टमर है सुमित ट्रेडर्स, उसके लेजर की बात करें तो लेजर के अंदर क्या होगा, जब हमने सेल इनवॉइस इशू किया था 8,750 रुपये का, तो वो अमाउंट डेबिट होगी, और जो प्रोडक्ट हमारे पास वापस आ गए 1,907 रुपये 50 पैसे की, तो उतनी अमाउंट उस लेजर के, यानी कि उस हमारे जो कस्टमर के अकाउंट के अंदर ये क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो नेट बैलेंस है वो उतना रुपये से कम हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस आपका।
तो यानी कि पार्टी के अकाउंट के अंदर भी इफेक्ट पड़ेगा। और अब हम जीएसटी रिटर्न की बात करें तो डिस्प्ले पर हम जाएंगे, जीएसटी रिपोर्ट पर जाएंगे, और जीएसटी रिटर्न की बात हम करें तो अब जीएसटी रिटर्न के अंदर आपकी जो सेल है 6,250 रुपए की, इस पर हम इंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर आपको दिखाएगा भी ये आपका सेल डाटा है 2,250 का और 4,000 रुपए का। अब यहां पर आपकी जो अमाउंट है वो नेट आएगी, इफेक्ट आपको यहां पर तो अलग अलग दिखाई देगा, जो मेन स्क्रीन पे वहां पे दिखाई देगा। ये कह रहा है कि आपकी 3,000 रुपए की तो इसमें सेल थी और 750 रुपए का क्रेडिट नोट आपकी तरफ से इश्यू किया गया है, तो ये माइनस 750 3,000 में से 750 रुपए की टैक्सेबल अमाउंट आपकी कम हो जाएगी। इसी तरीके से जो आपका टैक्स था आउटपुट 75 रुपए है, उसमें से 18 रुपए 75 पैसे से और 18 रुपए 75 पैसे ये माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारी टैक्स की जो लाइबिलिटी बनने वाली है वो 56 रुपए 25 पैसे की बनने वाली है, और ये आपका टैक्सेबल टर्नओवर रह जाएगा 2,250 रुपए का, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम जीएसटी 2A की बात करें तो 2A के अंदर आपको यहाँ पर क्रेडिट नोट अलग से शो करेगा भी आपने जो परचेज आपकी रियल के अंदर है वो 11,537 रुपए 60 पैसे की है, और इसमें आपने क्रेडिट नोट इशू कर दिया तो ये 2,087 रुपए 10 पैसे का आपका टैक्सेबल अमाउंट कम हो जाएगा। इसी तरीके से आपका जो इनपुट है वो 90 रुपए 76 पैसे और 90 रुपए 76 पैसे से इनपुट भी आपका कम हो जाएगा, तो आपका जो नेट इनपुट बनने वाला है इस मंथ का वो 429 रुपए 13 पैसे 429 रुपए 13 पैसे का मिलेगा। तो यानी कि हम जो सेल रिटर्न करेंगे तो वो हमारा जो आउटपुट की लाइबिलिटी है उसमें से कम हो जाएगी। अगर हम कोई परचेज रिटर्न करेंगे तो जितना हमारा ITC था उस ITC में से जो हमने प्रोडक्ट रिटर्न कर दी उसके ऊपर जो टैक्स हमने रिवर्स कर दिया उसका ITC भी हमारा रिवर्स हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से जरूर आपको कुछ सीखने को मिला है, और क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की कहानी भी आपको इजी तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी बचती है क्रेडिट नोट और डेबिट नोट से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपकी कमेंट की रिप्लाई देने की। और आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी ज़रूर कर लेना।